बीते सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि में मुंबई से नाना सुपारा अपने घर लौट रहे एक सिंगर को लुटेरों ने लूट लिया था। यह घटना कुलिंज पुलिस स्टेशन के पास स्थित अलायंस हॉस्पिटल की ओर जाने वाले रास्ते पर बदमाशों ने अंजाम दिया था। मामले में सिंगर ने अपने साथ हुई लूट की घटना कुलिंज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लुटेरे हैं और उनके साथ 1 उनका सहयोगी है। पुलिस ने बताया कि सिंगर अपने काम से घर की ओर लौट रहा था। इस दौरान रात को लुटेरों ने उससे लैपटॉप, एक मोबाइल और कुछ नकदी छीन ली थी। इस मामले में मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के क्राइम ब्रांच की टीम 2 ने तत्परता दिखाते हुए फरार लुटेरों पर शिकंजा कसते हुए उन्हें घर दबोचा। आगे की जांच तुलिंज पुलिस स्टेशन कर रही है। सर बताइए, ये जो आपने आरोपी पकड़े उसके बारे में क्या जानकारी है? तुलिंज पुलिस स्टेशन में CR नंबर 294/392 का दाखिल हुआ था। सोमवार नाइट में एक सिंगर को 2 आरोपी ने अलायंस हॉस्पिटल के नजदीक वल्लभ अपार्टमेंट है वहां पे चाकू दिखा के उनके पास का मोबाइल, लैपटॉप और कुछ रकम उनसे छीनी थी। हमारी टीम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हमने 2 लोगों को पकड़ा अलकापुरी से। एक का नाम है अजीत कनौजिया, दूसरे का नाम है नजीम कुरैशी। उनको ताबे में लेके उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने वो गुनाह किया वो हमने निष्पन्न किया। चोरी किया हुआ लैपटॉप, मोबाइल सब रिकवर करके उनको आगे कार्रवाई के लिए तुलिंज पुलिस स्टेशन में जमा किया है।